Bismillahir Rahman Rahim Assalamu Alaikum dear students hope you will be safe and sound I wishing you all the blessing of the holy Ramadan may this Ramadan bring joy health and wealth to you Now we start our online classes our first lecture is about five kingdom system of classification in previous lecture we have discussed about the two kingdom system of classification that were proposed by carlos linnaeus and also we discuss about the limitations of the two kingdom system of classification first we discuss about the scientist that is ernest haeckel ernest haeckel in 1866 proposed a new kingdom that is kingdom protista इन किंगडम प्रोटेस्टा ही इंक्लूड युगीना लाइक ऑर्गनिजम्स यानी कि उसने वो वाले ऑर्गनिज्म को किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूड किया था जिनकी डूअल नेचर होती है लाइफ की लाइक युगलिना युगलिना इज प्लांट प्लान एज वेल एज एनिमल व्हाट आर द प्लांट कैरेक्टर्स ऑफ युगलिना फर्स्ट इज युगना पोजेज क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ हेल्पफुल इन फोटोसेंसिस यानी कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसेंसिस होती है और फोटोसेंसिस में क्या होता है कोई भी ऑर्गनिज्म अपनी फूड प्रिपेयर करता है विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट एनिमल लाइक करेक्टर्स आर यूगलिना इज मोटाइल युगलीना इन डिफरेंट फूड पार्टिकल एट डार्क टाइम यानी कि वो रात के वक्त डार्कनेस में वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकता वो दूसरे ऑर्गेनिज़म जो है उनको इन्गल्फ़ करता है छोटे फूड पार्टिकल को क्या करता है इनगल्फ करता है ठीक है नाउ वी डिस्कस द फाइव किंगडम सिस्टम द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर प्रपोज बाय रॉबर्ट विटिकर इन नाइनटीन रॉबर्ट विटिकर क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम इन फाइव किंगडम्स नंबर फर्स्ट किंगडम मोनेरा, नंबर सेकंड किंगडम प्रोटेस्टा नंबर थर्ड किंगडम फनजाए नंबर फोर्थ किंगडम प्लांटी नंबर फाइव किंगडम एनिमलिया। फर्स्ट वी डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम अब इन किंगडम्स को पढ़ने से पहले हम इन किंगडम के अंदर जो मॉडिफिकेशन की है उसको डिस्कस कर लेते हैं ए टीम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज मार्गुलिस एंड स्कॉर्ड्स मोडिफाइड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स सच एज़ सेलुलर स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रीशन रिप्रोडक्शन पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम यानि कि ये दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर कुछ नई चीज़ें इनकलूड की नई रिसर्च की जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गनिजम्स हैव डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट रिप्रोडक्शन पैटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है किंगडम एनीमिलिया से किंगडम एनीमिलिया की सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है किंगडम फनजाए से एज वेल एज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट इन किंगडम प्लांटी kingdom fungi and kingdom animalia in kingdom planti all are photosynthetic all are autotrophic in kingdom fungi all are heterotrophic and saprophytes while in kingdom animalia all are heterotrophic number 3rd is reproduction pattern of different organisms यानी कि रिप्रोडक्शन पैटर्न जो है जो फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर है वो भी डिफरेंट है एनिमल का रिप्रोडक्शन पैटर्न प्लांटी से डिफरेंट है प्लांटी का फनजा से डिफरेंट है फनजाए का प्रोटिस्टा से और प्रोटेस्टा का मनेरा से दीज आर द मोडिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट किंगडम दैट इज़ किंगडम मनेरा। फर्स्ट वी डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मनेरा नंबर फर्स्ट दे आल आर प्रोक्रियाट्स इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे प्रोक्रियाट्स होते हैं वाट आर प्रोक्रियाट्स द आर्गनिज़म लेक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेलीज आर कॉल्ड प्रोक्रियाट्स यानी कि वो आर्गेज़म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेलीज भी नहीं होती आर्गेज कौन कौन सी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडीज गॉडिज एंडोपलाजिक्रेटिकोलम एक्सेट्रा ये इनके अंदर नहीं होती सेकेंड दे आर यूनि और कॉलोनियन ये यूनी होते हैं सिंगल होते हैं या फिर कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं दे लेक्रेन बाउंडेड देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन इनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है म्यूरिन से बनी होती है यानी कि पोलीसेकोराइड और कुछ एमायनो एसिड से बनी होती है नंबर फाइव करेक्टर इज़ सम ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्राफिक इनमें कुछ ऑर्गेनिजम जो है वो हेट्रोट्राफिक होते हैं यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते लाइक बैक्टीरिया सम आर ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो खुद अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं लाइक साइनोबैक्टेरिया हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टेरिया साइन ऑफ बैक्टेरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल जी दिट इज़ ए फोटोसेंथेटिक बैक्टेरियम ब्लूश ग्रीन कलर एंड कंटेन मेमब्रेन दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस अब इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल उसकी मदद से ये साइनो अपनी फूड क्या करता है ख़ुद प्रिपेयर करता है एंड साइनो इज़ आटोट्राफिक बैक्टीरिया। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एन बैक्टीरिया। अब ये जो पेट्री डिश है इसके अंदर पड़ी है एग्रोज जेल इस एगरोज जेल के अंदर क्या है जी बहुत से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं यानी कि एग्रोज जेल जो है ये मीडियम है जिस मीडियम के अंदर जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है अब जो आपको ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ हैं जो इसके अंदर ग्रोथ कर रही हैं ठीक है दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियम दीज आल आर द हेट्रोट्राफिक बैक्टीरियम अब ये हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया हैं जो इस मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ करके अपनी लाइफ की लाइफ के प्रोसेस को चलाते हैं ठीक है नंबर सेकंड सेकंड किंगडम इज़ किंगडम प्रोटेस्टा इन किंगडम प्रोटेस्टा द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वी स्टडी दे आर यूक्रेट्स एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू ये यूक्रेट्स होते हैं और ये टिश्यू नहीं बनाते यानी कि ये यूनी भी होते हैं और मल्टी भी होते हैं मगर ये टिश्यू नहीं बनाएंगे। दे आर यू क्रियास यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्रेन बाउंडेड आरज दे आर हेट्रो ट्राफिक एज वेल एज आटो ट्राफिक ये हेट्रो ट्राफिक भी होते हैं और आटो ट्राफिक भी होते हैं हेट्रो ट्राफिक मीन ये दूसरों से फ़ूड गेन करते हैं ऑटो ट्राफिक मीन ये अपनी फूड खुद बनाते हैं द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द किंगडम प्रोटेस्ट आए डाइटम्स अमीबा स्लाइम स्लाइमोल्ड यूगलिना स्पायरोगायरा, कलेमाइडोमनास एंड पैरामीशियम दिस इज ए क्लेमाइडोमनास दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्लेमाइडोमनास के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो आर्गलीज प्रेजेंट हैं यानी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गलीज प्रेजेंट हैं यानी कि ये यू क्रे में आता है ठीक है इसके फ्लेजेला होते हैं बेसल बॉडीज़ होती हैं सिलियम के एंड के ऊपर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रजेंट सेलवाल इज प्रेजेंट न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट गॉल्जी बॉडी स्टार्च ग्रैन्यूल माइटोकिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पायरोनॉइड एंड दीज आलिज आर प्रेजेंट इन क्लेमाइटोमनास Therefore, this is known as eukaryote. Another example is diatoms. These are the different pictures of diatoms. These are the microscopic structures of diatoms. This is another picture of diatom. This is a, another example of kingdom protista that is spirogyra. <coughs> In spirogyra, सेल वाल इज प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड इन आउटर रीजन ऑफ द सेल ए म्यूसिलेज इज प्रेजेंट यानी कि म्यूसिलेज प्रेजेंट होती है ये म्यूकस होती है स्टिकी होती है ठीक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड इन द मिड इ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट vacuole is also present and pyrenoid is also present in spirogyra this is an another example of kingdom protista in this diagram euglena and paramecium both are present in your right hand euglena is present at your left side paramecium is present these two are the examples of kingdom protista this is a label diagram of paramecium at outer side there are cilia which are numerous and small hair like structures pellicles is present oral groove that is also called as vestibulum buccal overture Cell mouth that, that is also known as cyclostome, anal pore, food vacuoles, cytoplasm, macronucleus, micronucleus, radiating canal, and in radiating canal, contractile vacuole is present. Therefore, this is also known as eukaryotic organism because it possesses membrane bounded organelles. Now we discuss the third kingdom.

दे क्लोरोफिल फंजाए लेक क्लोरोफिल देयर फोर दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता इस वजह से इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ. ये अपनी फूड ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते दे आर यूजली सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट्स ये सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं सेप्रोफाइट मीन दे ऑबटेन देयर फूड फ्राम डेड ऑर्गेनिक मैटर सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है जो डेड रिमेन्स होते हैं उनके ऊपर ये फंजाए ग्रो करती है उनके ऊपर फीड करती है इसलिए इसको बोला जाता है सेप्रोफाइट एंड सम फंजाए आर पैरासाइट्स कुछ पैरासाइट्स होती हैं किसी होस्ट के अंदर रहती हैं उसके अंदर डिजीज़ काज करती हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूनिक दे ऑबटेन दे आर फूड बाई द प्रोसेस ऑफ एबज़ॉर्बेशन यानी कि जितने भी फंजाए हैं वो अपनी फूड को एब्ज़ॉर्ब करती हैं ठीक है दे आर सेल इज सेल वॉल मेडअप ऑफ काइटीन इनकी सेल वॉल की जो कम्पोजिशन होती है वो किस से बनी होती है जी वो काइटीन से बनी होती है द एग्ज़ाम्पल ऑफ किंगडम फनजाए यस्ट पैनिसेलियम ब्रेड मोल्ट मशरूम्स रस्ट स्मार्ट एक्सेट्रा दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ किंगडम फनजाए दिस इज़ ए मोर्शेला एस्कुलेंटा कॉमनली नोन एज गुच्छी इसको गुच्छी भी कहते हैं और इसका इसको इंग्लिश में मॉरल्स बोलते हैं साइंटिफिक नेम इसका क्या है मोर्शेला एस्कुलेंटा दिस इज़ ए हाईली मेडिसिनल फनजाए एंड वेरी एक्सपेंसिव फनजाए दिस इज़ ए नदर मशरूम इन अदर एग्जाम्पल दिस दीज आर आल्सो नोन एज ए गेरिकस इनको गैरिकस भी बोलते हैं यानी कि छतरियाँ भी बोलते हैं ठीक है दिस इज इन अदर रिप्रेजेंटेटिप्रजेंटेटिंग किंगडम फंजाय दीज आर द रस्ट ये रस्ट है जो कि गंदम के ऊपर आपको जो है ब्लैक कलर का पाउडर सा मिलता है या खब्बल के ऊपर जो साइनाडॉन जो होता है उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का पाउडर मिलता है ये भी फंजाई की टाइप है ये पैरासिटिक फंजाई है दिस इज आल्सो नोन एज पैरासिटिक फंजाई दिस इज रस्ट इन अदर किंगडम दैट इज़ किंगडम प्लांटी द करैक्टर्स ऑफ किंगडम प्लाटीज़ आर नंबर फर्स्ट इज आल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे इस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए चाहे वो छोटे प्लांट हैं चाहे वो बड़े प्लांट हैं ठीक है आल प्लांट पोजेस क्लोरोफिल देअोर दे आर आल्सो कॉल्ड यानी कि अंदर क्लोरोफिल होता है इस वजह से इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ ये अपनी फूड खुद बनाते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इनकी वॉल cell सेलोलोज से बनी होती है जबकि फंजाई की वॉल काइटिन से बनी होती है प्रोटेस्टा की वॉल म्यूरिन से बनी होती है ठीक है दे आर यूक्रियाड्स जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे यूक्रियाड्स हैं यानी कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गलीज होती हैं द स्मॉलेस्ट प्लांट इज़ वुल्फिया अब किंगडम प्लांटी के अंदर जो सबसे छोटा प्लांट है उसको बोलते हैं वुल्फिया दिस वल्फिया इज़ आल्सो नोन एज वाटर वीड आर डक वीड द लार्जेस्ट प्लांट इज़ यूकलप रेगनेंस यानि कि गोंद का जो दरख्त होता है वो सबसे बड़ा जो है वो क्या है प्लांट है इस किंगडम के अंदर स्मॉलेस्ट प्लांट इज़ वुल्फिया एंड लार्जेस्ट प्लांट इज़ यूक्लिप्टस यानि कि गोंद का दरख्त एग्जाम्पल्स ऑफ द किंगडम फंजाई जाए फर्न्स फर्नस वेट शुगर कैन एक्सेट्रा दिस इज़ द फस्ट रिप्रजेंटेट रिप्रेजेंटेटि रिप्रजेंटेटिव ऑफ किंगडम प्लांटी दिस इज़ ए मोस दिस मोस इज़ फिलोनोट फोनटाना ये किंगडम प्लांटी के अंदर जो सबसे छोटा प्लान आता है छोटी कैटेगरी आती है ब्रायोफाइट्स की उस ब्रायोफाइट का एक रिप्रजेंटेटिव है एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं फीलोनोट फोटाना दिस इज़ another example एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्लांटी दिस इज ए फर्न इसको फर्न भी कहते हैं दिस इज़ कॉनीफर ये चीड़ का चिड़कदरफ्त है ठीक है ये भी किंगडम प्लांटी के अंदर आता है ठीक है दिस इज एनदर लार्ज ट्री ओक ट्री दैट इज़ इंक्लूडेड इन किंगडम प्लानी दिस इज़ द्मॉलेस्ट प्लांट दैट इज़ नॉन एज वुल्फिया ये सबसे छोटा जो प्लांट है इंसान के हाथों पे भी आ सकता है ठीक है ये एक्वाटिक होता है यानी कि पानी के अंदर होता है और यह सबसे छोटा प्लांट है जिसको वुल्फिया बोलते हैं ठीक है द लास्ट किंगडम दैट इज किंगडम एनीमिलिया द फर्स्ट करेक्टर ऑफ किंगडम एनिमिलिया इज दिस किंगडम कंटेन्ज मल्टी सेलर यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो यू क्रियाटिक ऑर्गेनिजम होती हैं। दे ले क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता दे आर फोर दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल वाल, द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल वाल नहीं होती और इनके सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है जबकि किंगडम प्लांटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या होती है सेल सेलवाल होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वाल के बाद में होती है जबकि किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वाल इनके अंदर नहीं होती दे इनजेस्ट द फूड एंड डाइजेस्ट इन स्पेशल ऑर्गन्स ये फूड को इनजेस्ट करते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं उनके बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन होगा जैसे कि ह्यूमन्स के अंदर स्टमिक होता है हम फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं स्टमिक के अंदर एग्ज़ाम्पल ऑफ किंगडम एनिमलियाज आर लॉइन ह्यूम स्पाइडर बर्ड्स बॉम एक्सेट्रा क्लासीफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया द किंगडम एनिमलिया इज़ फर्दर क्लासीफाइड

बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स मेम्स आर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स दोज ऑर्गनिजम विच लेक बैकबोन आर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वो आर्गनिज्म जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उनको इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं एग्जाम्पल स्टारफिश वम्स यानी कि कीड़े वगैरह स्पाइडर स्नेल एक्सेट्रा this is the first example of vertebrate that is fish these are the different type of amphibians they possess vertebral column frog is a type of amphibian this is vertebrate Sicilian is vertebrate toads are vertebrate salamander and newts are also vertebrate these are different types of amphibians दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपटाइल्स अब ये जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रेपटाइल हैं इनके अंदर भी बैक बोन होती है जैसे कि टर्टल है टर्ट है तवतारा है क्रोकोडाइल है स्नैक है कैमलियन है एक्सेट्रा ठीक है दिस इज बर्ड बर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज एविज एंड दीज आर ऑल्क् वर्टी ब्रेड्स दिस दीज आर द इन्वर्टिब्रेड्स यानी कि ये अब क्या आ जाएगी ये दूसरी क्लास के एग्जाम्पल हैं जो कि हमने पढ़ा था इन्वर्टिब्रेड होती हैं यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है सी एनिमोन अर्थवम सेंटिपीड प्लेनेरिया, फ्लाई क्रैप स्पाइडर दिज आर आर इन्वर्टिब्रेड अब इनके अंदर बैकबोन नहीं होती दिस इज ए अनदर इन्वर्टिब्रेड दिस इज़ ए स्नेल बिलोंग टू द फाइलम दिस इज़ ए लीच अब ये लीच है ये भी क्या है जी इनवर्टिप्रेट है तो ये था आज आज का आपका टॉपिक जो कि हमने पढ़ा था फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर एट द पेज नंबर फोर्टी नाइन दीज टू टेबल्स आर द एक्चुअल समरी ऑफ दिस टॉपिक यानी कि ये पेज नंबर फोटी नाइन के ऊपर ये जो टेबल जो बने हुए हैं ये दो टेबल जो हैं जो हमने सारा का सारा टॉपिक पढ़ा है उसकी समरी है दिस इज़ योर होमवर्क अब आपने इसको क्या करना है अच्छी तरह से टेबल को प्रिपेयर करना है तैयार करना है ऊपर वाले टेबल में जो है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो है वो कंपैरिजन किया गया है और जो नीचे वाला टेबल है उसके अंदर फाइव किंगडम सिस्टम जितने भी हमने डिस्कस किया उसका कंपैरिजन किया गया ओके दिस इज़ ऑल about the Five Kingdom system of classification. Thank you.